लॉकडाउन को देखते हुए गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने महेवा सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वितरण प्रणाली पटरी पर आ चुकी है। मंडी द्वारा पास जारी किए गए ठेले डोर टू डोर सब्जी बेच रहे हैं और जहां ठेले नहीं जा पाते वहां सब्जी की गाड़ियां वार्डों में जाकर सब्जी पहुंचा रही हैं और सरकारी रेट के हिसाब से सब्जियां बेच रही हैं और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जियों का रेट सुबह 5 बजे ही निर्धारित हो जाता है, सबको व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए पता चल जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने मंडी में लग रही गाड़ियों को लेकर कहा कि सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी की गाड़ियां लगेंगी, कोई भी आलू या प्याज की गाड़ी सब्जी मंडी में नहीं लगेगी। आलू प्याज की गाड़ी आलू मंडी में लगेगी, जिसके लिए व्यापारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, यहाँ केवल सब्जी है, सब्जी मंडी रहेगी। आप लोग ध्यान दीजिए और मास्क का यूज कीजिए। अभी भी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, जितना हो सके भीड़ से दूर रहिए और अपना काम करिए। काम करके यहाँ से जितना जल्दी निकलते रहिए। गाड़ी रोड पे खड़ी नहीं रहेगी, खाली होने के बाद यहाँ से हट जाएगी। फिर ध्यान दीजिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाए रखिए। गाड़ी यहाँ पे ना प्याज की रहेगी ना आलू की, जहाँ निर्धारित जगह है वहीं पर रहेगी। यहाँ पे सब्जी मंडी है, सब्जी की गाड़ी रहेगी, फल मंडी की गाड़ी फल मंडी में रहेगी। आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी संभव जो भी दिक्कतें हैं वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। इसके बाद ये खत्म होने के बाद अभी जो पहले से चल रहा है नियम कि ये यहाँ बिकेगा वहाँ, वही इसका फॉलो करिए। इसको फॉलो होना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए, ये सब काम मतलब ये फॉलो होना चाहिए। बाकी हम लोग बात करेंगे 14 के बाद जब बैठते हैं, फिर आपकी जो समस्या करके देखेंगे एकदम ठीक है। पर इस तरह का कोई आलू प्याज यहाँ नहीं बिकेगा गल्ला मंडी में। जो नहीं आलू प्याज में से बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले चीजें बात हुई सबकी ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए एकदम। सब लोग अपना करिए जल्दी, तुम भी हटाओ अपना। देखिए वितरण प्रणाली जो है अब करीब करीब पटरी पर आ चुकी है और जो हमारे ठेले हैं और इसके अलावा जो भी ऐसे एरियाज है जहाँ ठेले नहीं जा पाती हैं वहाँ हमारी जो गाड़ियाँ हैं सब्जी की सरकारी, हमने गाड़ियाँ सरकारी रेट के हिसाब से वहाँ पे सब्जियाँ हम भेजते हैं तो वहाँ पे टाइम टू टाइम पहुँच जाती हैं और मोहल्लों में भी ठेले वाले अपने ठेले से सब्जी बेच रहे हैं। इसके अलावा वो जो पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का उनको बता दिया गया है वो उसका पालन कर रहे हैं और घर घर सब्जियां जो हैं रेट जो निर्धारित रेट उसमें मिल जाती हैं। सुबह करीब 5:30-6 बजे हम लोग रेट निर्धारित कर देते हैं, उसके बाद वो रेट हम लोग पूरे मीडिया में और हर जगह सर्कुलेट कर देते हैं तो करीब करीब हर जगह सब्जी आराम से पहुँच रही है, जनता के घरों तक पहुँच रही है और किसी को कोई भी दिक्कत अभी प्रकाश में नहीं आई है। सर गल्ला मंडी में आपके द्वारा देखिए यहाँ पे गल्ला मंडी और सब्जी मंडी में कुछ पुरानी मतलब इश्यूज़ हैं, जैसे सब्जी मंडी की गाड़ियाँ गल्ला मंडी में लगती हैं, पहले कोई समझौता हुआ था तो उसी के तहत कुछ व्यापारी जो थे अपनी आलू प्याज की गाड़ियाँ जो है गल्ला मंडी में लगा लिए थे तो उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि आप जहाँ पे जिस चीज़ का मंडी है उस वहीं पे उसकी गाड़ियाँ लगवाएं, तो उनकी गाड़ियों को वापस आलू प्याज वाली मंडी में करा दिया गया है और सख्त निर्देशित कर दिया गया है कि गल्ला मंडी में गल्ला ही बिकेगा और सब्जी मंडी में सब्जी बिकेगी।